हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम पूरा एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, उन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत के संवैधानिक विकास का पहला पड़ाव था। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारत के मामले में सीधे हस्तक्षेप किया था। देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहला वो पड़ाव था जब क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामले में सीधे हस्तक्षेप किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ का नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसे सन 1774 में लागू किया गया। ठीक है, कब किया गया था, एक साल बाद, मतलब 1773 का एक्ट था और इसे 1774 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं। उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी, उसकी आर्थिक नींवें खोखली हो चुकी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि यदि कंपनी के लिए जल्दी से जल्दी धन ना जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता था। मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी किसकी, कंपनी की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण निम्न कारण थे। ठीक है, अब इसके क्या क्या कारण थे हम देखते हैं, क्यों इसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो सबसे पहले, कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे तथा इन युद्धों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ था, किंतु इन युद्धों के फलस्वरूप उसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। मतलब युद्ध तो बहुत सारे लड़े गए थे, लेकिन उन युद्धों से कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। इसके अलावा कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो प्राप्त कर लिया, किंतु इस दीवानी से कंपनी को जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये सारे कारण किसके, ये सारे कारण हैं कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के। इसके अलावा और क्या कारण है वो भी देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे हुए थे, इस निजी व्यापार के कारण वे कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे, अतः कंपनी को व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मतलब जितने कर्मचारी थे, जितने लेबर्स थे उस कंपनी के, वो भी सब निजी व्यापार में लगे हुए थे, इसलिए कंपनी को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कंपनी के हिस्सेदार ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना आरंभ कर दिया। 1766 में ये लाभांश सिर्फ 6% था, इससे बढ़ाकर इसको 10% कर दिया गया। उसके बाद 1772 में इसे 12% करना चाहा, किंतु संसद के हस्तक्षेप के कारण 10% ही रहा, लेकिन 1772 में इसे फिर 12% कर दिया गया। तो ऐसे इसका लाभांश जो था वो बढ़ते ही जा रहा था, तो ये भी कारण था इसकी आर्थिक स्थिति खराब होने का। इसके अलावा संसद के कुछ सदस्य का विचार था कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाए। इस विचारधारा के प्रबल होने के कारण कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित करने के लिए राज्य को 1 फरवरी 1767 से 4 लाख पौंड वार्षिक देना स्वीकार किया। पहले यह समझौता 2 वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में, मतलब 1769 से, यह समझौता कितने वर्ष के लिए हो गया, तो 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ये सारे क्या रीजन है, सारे रीजन है कि जो कंपनी की आर्थिक स्थिति है उसके खराब होने के, कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। कंपनी को इतनी विशाल राशि केवल इंग्लैंड की सरकार ही दे सकती थी। कंपनी को पता था कि जो इतना बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अगर पैसा कहीं से मिल सकता है तो कहां से मिल सकता है, इंग्लैंड की सरकार से मिल सकता है। तो इसने क्या सोचा, किंतु कंपनी के संचालकों को इस बात की आशंका थी कि सरकार से ऋण मांगने पर
कहीं कंपनी को क्राउन के अधीन ना कर दिया जाए, मतलब वो पैसा तो चाहते थे लेकिन क्राउन के अधीन नहीं होना चाहते थे, तथा इंग्लैंड के शेयर बाजार में शेयरी देने का आवेदन पत्र भेजा गया। इस आवेदन पत्र के संबंध में इंग्लैंड के विचारकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद क्या हुआ आगे ये भी देखते हैं हम। कंपनी के आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला दो सबमिट, एक है सीक्रेट समिति और दूसरी है सेलेक्ट समिति, ठीक है, दो समितियां थी, एक थी सीक्रेट समिति और एक थी सेलेक्ट समिति, इसको सौंपा था ये कार्य। इन समितियों के सुझाव के आधार पर सरकार ने दो विधेयक तैयार करे। प्रथम विधेयक में कंपनी 14 लाख पौंड ऋण देने की व्यवस्था की गई थी कंपनी को सरकार की तरफ से। इंग्लैंड सरकार क्या करेगी, पहला विधेयक जब पास हुआ तो उसमें कहा गया कि कंपनी को ये 14 लाख पौंड ऋण देने की व्यवस्था करेगी, तथा दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालक समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और ये जो दूसरा विधेयक है इसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दो विधेयक पास हुए, पहले में तो ऋण दे दिया गया 14 लाख का, और इसके बाद क्या किया गया, जो दूसरा विधेयक था इसे ही कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे इंग्लैंड की संसद में 1773 में पास किया गया। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो 1774 में ये इम्प्लीमेंट किया गया। अब आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य क्या थे। तो कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना सबसे पहला उद्देश्य तो ये था। इसके बाद कंपनी की संचालक समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना, ये दूसरा मेन उद्देश्य था। और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना, ये तीसरा उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का। अब इसके आगे देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं क्या क्या थी। अब है रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं, धाराएं मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। देखिए, कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पौंड के शेयर्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये हुआ कि वोटिंग कौन करेगा, जिसके पास कंपनी के 1000 पौंड के शेयर्स होंगे। इससे पहले मत अधिकार उन व्यक्तियों का था जिसके पास कंपनी के 500 पौंड के शेयर होते थे, तो अब कितने कर दिए गए थे, 1000 पॉइंट कर दिए गए थे। इसके अलावा संचालकों के कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा, और कुल सदस्य का 1/4 भाग यानी कि 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश होगा, ऐसा डिसाइड किया गया था किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पास 3, 7 व 10,000 पौंड मूल्य के शेयर्स थे उन्हें क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे मत देने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा देखते हैं, भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई, तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वॉरंग हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, ये चारों का नाम उल्लेख किया गया। अब देखिए, जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें तो वॉरिंग हेस्टिंग्स का नाम पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, ये पूछा जाता है, लेकिन ये चार नाम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पीएससी देंगे तो पीएससी में ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के नामों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनके नाम का उल्लेख भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, तथा यहां भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। इसके अलावा क्या हुआ था, बंबई तथा मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति, देसी राजाओं से युद्ध करने अथवा संधि करने में बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया। मतलब एक तरीके से ये दोनों जो प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को क्या कर दिया गया,
बंगाल के अधीन कर दिया गया, किंतु असाधारण स्थिति में ये दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग की गई थी बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिजा इम्पे, देखिए इनका नाम बहुत एलिजा होना था यहाँ पे, एलिजा इम्पे, इनका नाम का उल्लेख किया गया था। ये कई बार पूछा जाता है कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे, इनका आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। इसके अलावा गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा क्या हुआ, कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी। ये भी किसके द्वारा हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। जैसे पहले निजी व्यापार चल रहा था, तो अब निजी व्यापार पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें गुण और दोष दोनों ही थे, फिर भी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसका निर्माण हुआ सर्वथा सराहनीय था। सप्रे ने ठीक ही लिखा है कि यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था। ठीक है, सबसे पहला अगर हस्तक्षेप देखा जाए कंपनी के कार्यों में तो वो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके अलावा अतः उसकी नम्रता पूर्वक आलोचना की जानी चाहिए, ऐसा कहा था किसने, सप्रे ने। यह एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का प्रथम प्रयास था और इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाना स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ होती है तो ज़रूर ऐसा कुछ होता है कि एकदम परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें कैसी होती है जो बच जाती है। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य व अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, अतः यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और ज़्यादा लोग इससे पढ़ सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।